अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआ की वजह से हम भी खैरियत से। तो आज को लगते स्टार्ट, तो आज रोज़ा है सेवन वाला रोज़ा, सेवन्थ रोज़ा। तो यार मैंने ना एक तीन रोज़े साथ ही वीडियो बना के डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाए थे और मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही हूँ कि एप्पल मैंगो एप्पल और ऑरेंज और ये बनाना वगैरह सब कुछ डालेंगे, जो जो आपके घर फ्रूट सब कुछ डालो। इमली वाला ये है, इमली वाली फ्रूट्स फ्रूट चाट, इमली वाली फ्रूट चाट इस तरह से। ये मेरे मामू की रेसिपी और ये मामू इतनी फेवरेट है मेरी, काफ़ी टाइम से दिल करता है इसको बनाओ 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 बनाओ, लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं खुद भी सीख रही थी अपनी मम्मा से, क्योंकि ये रेसिपी मेरी मम्मा की मामू की है, तो मम्मू उसकी मम्मा को भी रेसिपी बताती होगी। तो इसमें पहले इमली को अच्छे से भिगो के रख देना है काफ़ी टाइम से, फिर उसको निकाल दे, उसके बीज है ना जो होते हैं उसको अलग कर लेने हैं। बाद में इसको पैन में बनाना है, इसको मसाले शसाले डाल के उसको वैसे बनाना बनाना, और उसको घाला पेस्ट जब बन जाए ना उसको निकाल देना है। और बस यहाँ पे देखिए हमारे इतना अच्छा मज़ेदार से रोज़े इफ्तारी हुई थी माशाल्लाह। देखिए समोसे पकौड़े सब कुछ है, माशाल्लाह सब कुछ है। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन सुबह सुबह कोकोमो लेकर आई है, उस कोकोमो की ना चॉकलेट को अलग कर दिया और न्यू चॉकलेट ना इसमें डाल के खा रही थी, कहती बहुत मज़ेदार है। इसको पता है ना कि मुझे कोकोमो इतना पसंद है फिर भी। और यहाँ पे मेरी दादी माँ का बरसी थी, दादी की बरसी थी, यहाँ पे मैंने ये फ्रूट्स काटे थे और ये सारा ब्रेड वगैरह और टिक्कियाँ और ये कहते हैं इसको गजर गजरेला, दूध वाला गजरेला जो मैं नहीं खाती, हमारे घर में बहुत कम लोग खाते हैं। और हमारी चाची के घर से आया था, ताई के घर से सवियाँ आई थी, क्योंकि आज उनका बरसी है ना, दादी माँ की बरसी, इसलिए मीठा शायद बनाना बनाते होंगे। तो यहाँ पे देखें ये बोटी बनाई थी, इसका क्या नाम था, चिकन पकोड़ा, चिकन पकोड़ा इस तरह से इसकी ऐसे कुछ रेसिपी है, लेकिन ये फिश लग रही थी लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मम्मी चाची ने पकोड़े वगैरह बनाए थे और साथ खजूरें भेजी थी, और फिर हमने भी इनमें ना इनको ना मैक्रोनी डाल के दे दी थी, जो मेरी बहन की रेसिपी है जो मैंने अब तक शेयर ही नहीं की, कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह जब फ्री हो जाऊँ टाइम से। और यहाँ पे है 10th रोज़ा, जो कल का रोज़ा हमारा था, आज तो हमारा 11th रोज़ा है ना। तो यार अब मुझे कमेंट में बताना कि किस किस का आज कौन सा रोज़ा है। तो यहाँ पे मैं बनाई थी मेयोनीज़ मरहबा दुआ से रेसिपी देखकर। मरहबा दुआ चैनल किसका है, मेरी है मम्मा का यार, वहाँ पे रेसिपी बिल्कुल प्योर और एकदम परफेक्ट रेसिपीज है, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ी नहीं है। तो इसमें हमने 2 अंडे डाल दिए, नमक डाला, चीनी डाली, फिर इसमें हमने डाला 2 चम्मच विनीगर, फिर इसको अच्छी तरह से तो इसको ब्लेंड करना है, अच्छी तरह से मतलब हाथ पे नहीं करना, इसको मशीन पे ही करना है क्योंकि मशीन पे ही ये बनेगी, ये मशीन पे ही बनती है। इसको अच्छी तरह से इसका थिक पेस्ट, जो थिक पेस्ट बना लेना अच्छी तरह से, लाइक करते करते इतना थिक भी ना हो, मतलब करने करने की पूरी झाग झाग पूरी हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब कुछ अच्छी तरह से। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा तेल, फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे तेल ऑयल ऐसा ऐसा करके ना, हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, फुल स्पीड पे नहीं करना कि आप स्पीड पे डाल दो पूरा ग्लास, नहीं, स्लो स्लोली 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 एक स्लोली स्लोली एक ग्लास डालना है इसमें तेल आप लोगों ने, और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करने और फिर बाद में आपकी मेयोनीज़ तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे देख लें हमारी मेयोनीज़ तैयार है, परफेक्ट तरीके से तैयार, और ये घर में आराम से बन जाती है, बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। गाइस ये मिक्सचर बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस में हमने डाले मसाले शाले नमक काली मिर्च का पाउडर, बस इसको मिक्स कर देना है, मैं देखो पानी के अंदर डैश वॉट इट, और गरम मसाला थोड़ा सा, हाँ जो भी बना रहे डाल दो, और बन गया ये बता दे बना रहे हैं हम लोग, चिप्स बना रहे हैं, ये देखिए इतने पतले पतले छीले हैं, इस पर तो दाग है, आप इसे पूछो अंदर डालने हैं, ये हमारी ये और ये हमारी सलाद सैलेड। और यहाँ पे हमने बैटर तैयार कर लिया, इसमें बेकिंग सोडा भी डाला, मैं वो लिखना बोलना भूल गई थी। और यहाँ पे मम्मा तैयार कर रही है चिकन पकोड़ा, इसको मम्मा ने ना हर जगह से रेसिपी देखी, लेकिन मम्मा कहती है अपने दिमाग की है, ठीक है, हर जगह से रेसिपी देखकर मम्मा ने ना लोग पानी में डिबोते हैं ना, तो मेरी मम्मा ने विनीगर में डिबो कर और इसको उसमें मैदे में डालना है, 2 दफ़ा मम्मा ने कोटिंग की है इसकी, आप 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, मम्मा ने 2 दफ़ा कोटिंग की है ताकि इसको अच्छी तरह से ना इसकी क्रंची क्रंची हो जाए, और यकीन मानो सेम टू सेम क्रंची हो जाए। मसाले रात को मम्मा लगा के रख देती है, फिर जो चिकन चीज़ों के होते हैं ना रात के मसाले लगा के रख देने चाहिए, उसके लिए ना टेस्ट अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम केचप तैयार कर रहे हैं यार, हमारी पुरानी रेसिपी केचप की, अगर आपने को नहीं पता तो भाई आपको क्या पता है यार, कहाँ पे दो कौन दुनिया में जी रहे हैं आप लोग मेरी, ठीक है। आप ये देखें पहले हमने डाला केचप डालना, क्योंकि फीका होता है ना, पता है टमाटो सॉस है तो सिंपल, लेकिन हम ना थोड़ा स्पाइसी खाते हैं लाइक मज़ा आता है, और ये तो बच्चों के लिए अलग से निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है। उसमें पहले हमने डाला केचप विनीगर, अब सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, और मसाला भर कर डाल देना, उसको मिक्स करने फिर आपको तैयार हो जाएगा स्पाइसी ये केचप, अगर आपके पास स्पाइसी वाला नहीं है तो। और ये देखिए हमारी सारी चटनी चटनी तैयार हैं, चटनियाँ, हाँ, तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार होगी, पकौड़े नहीं होगी है ब्रेड पकौड़े, ये देखिए मैं अपने लिए सैंडविच बनाया था। तो आपको मेरे व्लॉग पसंद आया तो यार लाइक करना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।